सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बीटा मैथ्स एकेडमी। सो आज के लेक्चर में अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका न्यू टॉपिक। द टॉपिक इज देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। यानी कि इसमें देखो चैप्टर नेम है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। ठीक है, ऊष्मागतिकी है सेकंड, जो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट है वो हम कंप्लीट करके आए हैं। तो आज के लेक्चर में अब हम थर्मोडायनेमिक सेकंड्स के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। और थर्मोडायनेमिक्स के आपको पता है टोटल नंबर ऑफ कितने लॉज होते हैं? टोटल नंबर ऑफ इसमें मेनली फोर लॉज होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो लॉ से स्टार्ट होता है थर्मोडायनेमिक्स का। जीरो लॉ, उसका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, टोटल इसमें चार लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट लॉ तो सबसे इजी होता है और हमें पता भी है। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो फर्स्ट लॉ तो हमें पता है, जो ये बताता है कि ऊर्जा का ना ही तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ऑलवेज कंजर्व रहती है किसी न किसी फॉर्म में। ठीक है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरी रूप में, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसका फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता। अब देखो सेकंड लॉ क्या बताता है, उससे पहले हम देखेंगे कि जो उसके फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक का, उसमें क्या क्या लिमिटेशंस रह गई थी, उसकी लिमिटेशंस को कंप्लीट करने के लिए आया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हमें फर्स्ट लॉ की कुछ कमियां पढ़नी पड़ेगी जो फर्स्ट लॉ में रह गई थी। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लॉ इज स्टेबिलाइज डिफाइनाइट रिलेशनशिप बिटवीन द हीट अब्जॉर्ब एंड द वर्क परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम इन ए गिवन प्रोसेस। तो देखो पहला नियम, किसी भी प्रक्रिया में अवशोषित ऊष्मा और सिस्टम द्वारा किए गए काम के बीच निश्चित संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बताता है? अवशोषित ऊष्मा और सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के बीच में रिलेशन को बताता है, लेकिन यह ऊष्मा के प्रवाह की दिशा नहीं बताता है। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हमने इतने सारे टॉपिक्स पढ़े, उसमें कहीं पे भी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसकी डायरेक्शन की कहीं भी बात नहीं थी। तो अब जो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया है, यहीं से हमें एक्सप्लेनेशन मिलता है द डायरेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक से ही पता चलता है। तो देखो फर्स्ट लॉ की कमी, फर्स्ट लिमिटेशन तो इसकी यही थी कि उसमें और तो सब ठीक था। ठीक है, ऊर्जा जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसके बारे में हमें पता चला, जो उसकी अब्जॉर्ब हीट है और सिस्टम द्वारा किए गए कार्य के बीच उसमें हमने रिलेशन स्थापित किया था। ठीक है, जो फर्स्ट लॉ था वो क्या, उसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास? डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। ठीक है, तो उसमें वर्क और हीट का रिलेशन, इसमें हमने पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा था, लेकिन इसमें ऊर्जा के प्रवाह की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी का कहीं पे भी रोल नहीं था फर्स्ट लॉ का। ठीक है, तो अब हमें जानना है, हमें पता होना चाहिए कि जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो कौन सी डायरेक्शन की ओर ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, आगे देखो, अब देखो सपोज द हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी। वैसे भी देखो अगर टेम्परेचर है तो हायर से लोअर टेम्परेचर की ओर ही तो होता है। तो देखो मान लो हमने मान लिया कि जो हीट है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रही है, हॉट टू कोल्ड बॉडी, यानी कि हॉट टू कोल्ड बॉडी, समझ गए ना आप? किसी भी
हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट फ्लो हो रही है। तो फर्स्ट लॉ सिंपली रिवील्स दैट द क्वांटिटी ऑफ हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। तो देखो, मान लीजिए कि हमने उष्मा गर्म से ठंडे शरीर की ओर प्रवाहित हो रही है, ठीक है, गर्म से ठंडे शरीर की ओर हो रही है। पहला काम तो यह बताता है कि गर्म शरीर द्वारा नष्ट की गई जो उष्मा है, यहाँ पे लिखना उष्मा, उष्मा की मात्रा ठंडे शरीर द्वारा यानी कि कोल्ड बॉडी द्वारा प्राप्त की गई उष्मा के बराबर होती है, ठीक है। सबसे पहला फर्स्ट लॉ हमें सिंपली यह बताता है, फर्स्ट लॉ, पहला नियम, ठीक है। तो पहला नियम तो हमें यही बताता है कि हॉट बॉडी द्वारा नष्ट की गई उष्मा की मात्रा ठंडे शरीर की यानी कि कोल्ड बॉडी की उष्मा के बराबर होती है। इससे यह कभी नहीं पता चलता है कि जो हीट है यानी एनर्जी है केवल हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ही प्रवाहित हो रही है या विपरीत दिशा में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो हमें जो हीट का ट्रांसफर है, जो उसका फ्लो हो रहा है वो बताता है, वो नहीं बताता, उसकी डायरेक्शन नहीं बताता कि वो कोल्ड बॉडी की से हॉट बॉडी की ओर ट्रांसफर हो रही है या फिर हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो आगे देखिए, ठीक है, सेकेंड लिमिटेशन देखो इसकी, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द स्पेसिफिक चेंज ऑफ स्टेट। पहले नियम के अनुसार किसी जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसकी ऊर्जा अवस्था में निर्दिष्ट परिवर्तन के दौरान स्थिर रहती है, ठीक है। तो देखो, जो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी हमेशा जो आइसोलेटेड सिस्टम में कांस्टेंट रहती है, किसके दौरान, ड्यूरिंग द स्पेसिफिक चेंज ऑफ स्टेट, किसी भी अवस्था में अगर चेंज हो रहा है तो उस चेंज हो रहा है तो उसके दौरान जो एनर्जी है आइसोलेटेड सिस्टम की वो ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। और वैसे भी फर्स्ट लॉ ने यही बताया था कि एनर्जी को एनर्जी ऑलवेज जो एनर्जी है वो कॉन्स्टेंटली रहेगी, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर होती है लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ठीक है। तो आगे देखो, बट इट डज नॉट टेल वेदर द स्पेसिफिक चेंज और प्रोसेस इंक्लूडिंग ए केमिकल रिएक्शन कैन ओक्यूर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। लेकिन यह ये नहीं बताता है कि कोई भी जो स्पेसिफिक चेंज है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कोई प्रक्रिया, वो स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः अपने आप होती है या नहीं, क्या यह संभव है। तो आगे देखिए, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है चाहे वो कोई रिएक्शन के थ्रू हो, चाहे कोई स्पेसिफिक फिजिकल चेंज के थ्रू हो, ठीक है, चाहे उसके भौतिक परिवर्तन से हो चाहे रासायनिक परिवर्तन से, जो एनर्जी कंजर्व रहती है यानी संरक्षित रहती है, तो उसमें ये कभी नहीं पता चला उस नियम में कि जो रिएक्शन हो रही है या उसमें भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, कोई भी परिवर्तन हो रहा है जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो जो रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियसली है या नहीं, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्वतः है, यानी कि कोई अभिक्रिया जब अपने आप स्वतः है होती है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो क्या यह पॉसिबल है। द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द एनर्जी ऑफ वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अनोदर फॉर्म। तो पहला नियम यह बताता है कि एक रूप की ऊर्जा दूसरे रूप की ऊर्जा के बराबर मात्रा में परिवर्तित की जा सकती है, परंतु यह नहीं बताता है, बट इट इज डज नॉट टेल दैट द हीट एनर्जी कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू ए इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। ये जो फर्स्ट लॉ है वो यह कभी नहीं बताता है कि जो उष्मा ऊर्जा को पूर्णतः कार्य की समतुल्य मात्रा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ इसके बारे में नहीं बताता है कि जो हीट है, हीट की एनर्जी है, उसको टोटली वर्क में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसे में हमें दूसरे नियम की जरूरत है। इसको यहाँ पे करेक्शन करना,
ठीक है, दूसरे नियम की जरूरत है। तो ये थी सारी फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन, जिसमें हमें देखो सब कुछ पता चला एनर्जी के बारे में, लेकिन एनर्जी की डायरेक्शन के बारे में नहीं पता चला, और हमें ये भी नहीं पता चला कि हीट को वर्क में और वर्क को हीट में क्या टोटली चेंज किया जा सकता है, कम्प्लीटली उसको एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके लिए अब हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड हुई थी, जिसके पोस्टुलेट्स अब है, देखो यहां से स्टार्ट होता है अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की पोस्टुलेट्स। तो देखो, द सेकंड लॉ हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। तो सबसे पहले देखिए, जो सेकंड लॉ है वो सबसे पहले हमें इसी चीज में हेल्प करता है कि जो एनर्जी फर्स्ट लॉ में हमने बताई थी कि एनर्जी कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना ही कभी फॉर्म्ड हो सकती है, लेकिन वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, तो जो ट्रांसफर हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसी के बारे में हेल्प करता है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमें बताता है डायरेक्शन बताने में ऊर्जा किस दिशा में स्थानांतरित की जा सकती है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट वेदर ए गिवन प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन कैन ऑक्यू स्पॉन्टेनियसली, और हमें यह भी अनुमान लगाने में मदद करता है सेकेंड लॉ कि क्या कोई दी गई प्रक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया स्पॉन्टेनियसली हो सकती है, यानी कि स्वतः हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, और देखो क्या बताया सेकेंड लॉ ने, इट इंट्रोड्यूस ए न्यू कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। अब देखो, हमने एंट्रोपी के बारे में थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में कहीं नहीं पढ़ा है, तो एंट्रोपी के बारे में भी शुरुआत कहाँ से की थी, सेकेंड लॉ से ही हुई थी। तो यह एंट्रोपी की भी एक नई अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो यह हमें संतुलन की स्थिति में जानने में भी, यानी इक्विलिब्रियम जिसको हम बोलते हैं साम्यावस्था, इसको सही करो, यहाँ पे लिख लो, साम्यावस्था। साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम तो समझते ही हो, मान लो कि कोई दो ए और बी, ए रिएक्टेंट है बी रिएक्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम, यानी कि इनके बीच का जो एरो है वो दोनों डायरेक्शन में, मतलब ए से बी भी बन रहा है और बी से ए भी बन रहा है, इसको बोलते हैं साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो साम्यावस्था की कंडीशन भी हमें सेकेंड थर्मोडायनेमिक लॉ से ही पता चलती है। आगे देखिए, Various forms of energy can be completely transformed into one another, yet heat is typical form of energy which amount can be completely transferred into work. तो देखो, ऊर्जा के विभिन्न रूपों को पूरी तरह से एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, ऊर्जा के जो जितने भी उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं उसको एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। किसी भी ऊष्मा ऊर्जा का एक विशिष्ट रूप है जिसे पूरी तरह से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो सेकंड लॉ ने यह भी बताया था कि कोई भी एनर्जी है, तो कोई भी जो हीट है उसकी हीट का जो, एक सेकंड, हाँ, तो कोई भी हीट है उसको कंप्लीटली कभी भी वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर हीटिंग कहीं ना कहीं लॉस हो रही है तो उसमें जो वर्क किया जा रहा है उसको पूरी तरह हीट को वर्क में चेंज नहीं कर सकते। दूसरा नियम हमें यह बताता है कि ऊष्मा के अधिकतम अंश की गणना करने में मदद करता है जिससे किसी दी गई प्रक्रिया में कार्य में परिवर्तित किया जा सके। ठीक है,
तो सेकेंड लॉ हमें जो हीट की कैलकुलेशन है उसको करने में भी मदद करता है, जिससे किसी दी गई प्रक्रिया में कार्य में परिवर्तित किया जा सके। अब देखो मैन जो है ये इम्पोर्टेंट है, देखो तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी या हीट ट्रांसफर एंड हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट वेदर ए गिवन प्रोसेस कैन ओक्यूर स्पॉन्टेनियसली और नॉट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो थर्मोडायनेमिक्स के सेकेंड लॉ ने यही बताई थी कि ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम ऊर्जा या ऊष्मा स्थानांतरण की दिशा बताता है और हमें यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि कोई दी गई प्रक्रिया स्वतः होती है या नहीं होती है। तो देखो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखो ऊष्मा करना, ठीक है, तो हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली पास फ्रॉम कोल्डर टू वार्मर बॉडी। तो जो ऊष्मा है वो स्वतः कभी भी ठंडे से गर्म शरीर की ओर नहीं जा सकती है। तो देखो हीट जहाँ पे ज़्यादा होगी तो वो कम की ओर ही तो जाएगी, क्या कम से कभी भी ज़्यादा की ओर जा सकती है? बिल्कुल नहीं जा सकती, ठीक है। तो हीट है वो ऑलवेज वार्मर टू कोल्डर बॉडी जाएगी, लेकिन कोल्डर टू वार्मर बॉडी कभी भी नहीं जा सकती है, ठीक है। इसको से करना, तो देखिए नेक्स्ट है, इसमें कार्य को हमेशा पूरी तरह से ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम या आसपास में स्थायी परिवर्तन छोड़े बिना ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में चेंज नहीं किया जा सकता। दोनों लाइन सेम है, कंफ्यूजन होने वाली है, तो ध्यान से देखो। हम वर्क को पूरी तरह हीट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हीट को कभी भी कंप्लीटली वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स लाइन्स है, इनको एकदम अच्छे से याद रखना है कि वर्क तो हीट में चेंज हो सकती है, लेकिन हीट कभी भी कंप्लीटली वर्क में चेंज नहीं हो सकती। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है देखो कार्नोट इंजन, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको कंप्लीटली पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हीट को वर्क में चेंज किया जाता है। तो कार्नोट इंजन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आगे देखो थर्ड पॉइंट, इसमें द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज एन स्पॉन्टेनियसली प्रोसेस। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया होती है, ठीक है। एंट्रोपी की अगर बात करें तो वो ऑलवेज स्पॉन्टेनियसली होती है, ठीक है, और किसी भी सिस्टम के लिए एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी कि डेल्टा एस होता है वो जीरो से ग्रेटर देन जीरो होता है, यानी कि एंट्रोपी किसी भी सिस्टम के लिए निकालेंगे तो ऑलवेज एंट्रोपी पॉजिटिव आती है, एंट्रोपी की वैल्यू, ठीक है। तो ये था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है।